देखिए, अभी जो हम लोग बात करेंगे ना कि गेट केमिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो रफली हम लोग बात कर लेंगे इस प्रेजेंटेशन के बाद, और फिर लास्ट में हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, जिससे आप लोग अगर खुद तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो क्वेरी है आप लोग क्वेरी कर लीजिएगा। तो पहले ब्रीफली समझ लेते हैं कि कैसे तैयारी करना है, ठीक है? और चूंकि सभी लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं इस तरह से बताऊंगा कि कॉलेज की कोर्सेज के साथ साथ गेट की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए गेट का सिलेबस तो डाउनलोड, मतलब उस एग्जाम का सिलेबस तो डाउनलोड करना ही है, तो सिलेबस तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और मेरा क्या सजेशन है, मेरा सजेशन है कि आप लोग पैरेलली सेमेस्टर के साथ गेट का एग्जाम का प्रिपेयर कीजिए। अब यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, उन दोनों के लिए बोल रहा हूँ। फोर्थ ईयर में तो ऑब्वियसली आपको सारे कोर्स करने पड़ेंगे, पर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है तो उनको स्पेशली अपने जो सेमेस्टर के सिलेबस हैं उससे रिलेटेड जो गेट का सिलेबस है ना, बस उस पर फोकस करने से आपका सेमेस्टर भी अच्छा चलेगा और गेट का प्रिपरेशन भी अच्छा चलेगा और ओवरऑल केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज भी अच्छा होगा। जैसे मेरे IIT रुड़की में सेकेंड ईयर में हम लोग को प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ाते थे, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाते थे, फ्लूड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन और हीट ट्रांसफर पढ़ाते थे। तो ये सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर में ही कर लिया। फिर थर्ड ईयर में जो पढ़ाते थे मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, फिर थर्ड ईयर में इन सब्जेक्ट को कर लिया। और फोर्थ ईयर में ज़्यादा कुछ बचता नहीं था, तो फोर्थ ईयर में ओवरऑल सारे सिलेबस को रिवाइज करके एक तरह से मैंने एग्जाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हो सकते थे। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए, आपका जो कोर्स करिकुलम है उस कोर्स करिकुलम को देखते हुए देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर से और गेट के सिलेबस से मैच कर रहा है। तो आप वो टारगेट बना लीजिए कि ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट कर लेना है अकॉर्डिंग टू गेट, और एज वेल एज आपका सेमेस्टर में भी हेल्प तो हो ही जाएगा। तो कैसे करना है, पढ़ना कैसे है? पढ़ना ये है कि जो भी सब्जेक्ट आपके गेट के सिलेबस में भी है और आपका सेमेस्टर में भी है उसको पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ गेट। और फिर उसके बाद अपना कॉलेज का लेक्चर भी अटेंड करना है, अगर कॉलेज में लेक्चर गेट के सिलेबस के हिसाब से है तो आप लेक्चर अटेंड करना है, और साथ में लेक्चर अटेंड करते करते नोट्स बनाना है, ठीक है? अब इसमें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा बुक्स भी पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा पहले से अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है सब्जेक्ट की, तो फिर आपको क्लास में ना आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी है और उसमें आपके मन में कुछ डाउट क्रिएट हो गए रहते हैं जब टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, और फिर वो डाउट अगर आपके क्लास में क्लियर होता है ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाता है उस सब्जेक्ट में। तो ये पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप थोड़ा सा पहले खुद उसके बारे में पढ़ लो और फिर उसके बाद क्लास क्लास एक तरह से डाउट क्लियरिंग जैसा हो, कि मतलब एक तरह से आपने जो पढ़ा है उसका कन्फर्मेशन भी हो जाए और डाउट है वो क्लियर हो जाए, तो आपको बहुत इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो ये पढ़ने का सबसे राइट वे है। एटलीस्ट जो सिलेबस गेट के सिलेबस वाले कोर्स है उसमें एटलीस्ट आप ऐसे कर सकते हैं। और अगर आपका कोर्स जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स बहुत उस गेट के सिलेबस जैसा नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को आप NPTEL के वीडियो से भी देख सकते हैं। NPTEL पे IITs के प्रोफेसर के वीडियो हैं और बहुत अच्छे वीडियोज हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, चाहे NPTEL वीडियो से देखे चाहे अपने क्लास से बनाए, लेकिन जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अंत में आपके पास इतना वास्ट सिलेबस हो जाएगा ना कि आप ये बुक से और वीडियो से रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपके लिए नोट्स बनने चाहिए जो कि नोट्स क्विकली रिवाइज कर पाए। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको बहुत सारे नए कंसेप्ट समझ में आएंगे कि जो आपके कॉलेज के लेक्चर में पूरे नहीं हुए थे लेकिन उससे रिलेटेड गेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको उससे रिलेटेड और फर्दर नेट से सर्च करके पढ़ेंगे और उसको नोट्स में अपडेट कर लेंगे। तो ये तरीका है पढ़ने का, और इसी को मैं थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। तो अब इस तरह से पढ़ने में फायदा क्या है ना, कि आप सेमेस्टर का तो कोर्स कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम आपका गेट का सिलेबस का भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स ही आपने पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ आप फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं उस सेमेस्टर में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सिलेबस जो है वो कौन कौन सा टॉपिक्स है, कौन कौन सा फॉर्मूला है जो गेट के सिलेबस में है, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कोई कोई टॉपिक ऐसा है जो कि आपके कॉलेज में तो पढ़ा रहे हैं लेकिन वो गेट के सिलेबस में नहीं है, और कुछ कुछ ऐसा
ऐसा भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कॉलेज के सिलेबस में नहीं है बट गेट में है, ऐसा है, ऐसा होता है? तो आपको ऑलरेडी जो चीज़ आपके गेट के सिलेबस में नहीं है और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आप उसको नोट पे ही मार्क कर सकते हैं कि इसको ज़रूरत नहीं है, और जो बाकी जो टॉपिक बच गया जो कि आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया तो आप उस नोट्स में आप उसको अपडेट कर लीजिए, ठीक है? इस तरह से पढ़ने से आपका CGPA भी इम्प्रूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा और गेट का भी प्रिपरेशन पैरेलली हो जाएगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, मतलब सेमेस्टर के पैरेलली करने में, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि फिर टेक्स्ट बुक से पढ़ना है तो कौन सा टेक्स्ट बुक। अब देखिए, कौन सा टेक्स्ट बुक और कौन सा NPTEL वीडियो देना, ये डिपेंड करता है कि आपके कोर्स पे भी, कि मतलब आपके कॉलेज में कौन सा टेक्स्ट बुक आपके प्रोफेसर सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपके प्रोफेसर अगर जो बुक सजेस्ट करते हैं, मैं तो बोलूँगा आप उसी बुक को प्रेफर कीजिए और उसी बुक को पढ़िए, क्योंकि उससे आपके सेमेस्टर में भी मदद मिलेगा और फिर आपको गेट का प्रिपरेशन में भी आपको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी अगर कुछ जानना है तो कौन सा टेक्स्ट बुक और कौन सा NPTEL वीडियो पढ़ना है ना, तो उसके लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट का डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट है और गेट में भी सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने बना रखा है, उसी तरह आप देखो थर्मोडायनेमिक्स का बना रखा है। तो आप एक एक सब्जेक्ट का ना डिटेल वीडियो बना हुआ है कि कहाँ से पढ़ना है। मैंने डिटेल में ये बताया कि कौन सा बुक का कौन सा चैप्टर, इवन पेज नंबर बताया कि कौन सा एडिशन का कौन सा पेज नंबर गेट में है, कौन सा नहीं है, कौन सा NPTEL का कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए और कौन सा देखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इन डिटेल। और साथ में मैंने मेरे टाइम तक जो भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर जो गलत थे बुक्स में, वो सब भी मैंने डिटेल में बता रखा है। तो आप वो जो सेमेस्टर में आप हैं उस सेमेस्टर से रिलेटेड आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपका सिलेबस क्या क्या है गेट का। क्योंकि देखो, आप जस्ट सिलेबस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं है। अब उसमें तो जस्ट एक टॉपिक का हेडिंग लिखा रहता है, अब उस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो तो आप जब एक बार पूरा सेमेस्टर वो पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वो आपको बिफोर हैंड पता रहे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके लिए बहुत अच्छे तरह से मैंने बता रखा है। आप ये देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का बता रखा है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, मैकेनिकल ऑपरेशन, प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, एवरी सब्जेक्ट का, केमिकल टेक्नोलॉजी का छोड़कर और प्रोसेस कैलकुलेशन का छोड़कर, प्रोसेस कैलकुलेशन का मैंने नोट शेयर कर रखा है गूगल ड्राइव पे, तो उससे आपको पूरा सब्जेक्ट का क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है? तो आप वहां से पढ़िए। और पढ़ते के समय जब टेक्स्ट बुक या जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो मैं बोलूंगा कि आप ना थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन बचा के पढ़िए। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पढ़ने के समय मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि पढ़ते समय ना आपको थोड़ा टाइम लगता है कंसंट्रेशन डेवलप होने में, फिर आपको पढ़ाई में मजा आने लगता है। और उसी समय अगर आप मान लीजिए कोई फेसबुक या मोबाइल चेक करने लगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन पूरा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है और फिर आपका जो कंसंट्रेशन बना था उसका आप कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। फिर आप डाइवर्ट हो गए, आधा घंटा ऐसे निकल गया, फिर आप दोबारा पढ़ाई में जाएंगे, दोबारा आपको कंसंट्रेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो आपका ना रिदम डेवलप नहीं होगा, रिदम लूज हो जाएगा, कंटिन्यूटी डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमारे टाइम में तो ऐसा था कि हम लोग कॉलेज में जाते थे, कॉलेज के लाइब्रेरी में चले जाते थे और लाइब्रेरी का एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पे नेट नहीं चलता था, तो हम लोग उधर ही जाके बैठ जाते थे। तो कैसे करते थे, NPTEL के वीडियोज डाउनलोड कर लेते थे और लाइब्रेरी में लैपटॉप ले जा करके पढ़ते थे। कोई वाईफाई और हमारे टाइम में ये एंड्रॉयड तो ज़्यादा यूज नहीं होता था। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि जिस टाइम पढ़ रहे हो तो आप नेट से डिसकनेक्ट हो सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो वीडियोज, या अगर नेट से यूज भी करना है तो आप जैसे भी आपको सुटेबल हो उतना जितना देर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे जितना देर पढ़ रहे हैं आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। और एक और चीज़ है, बहुत लोग पूछते हैं कि फिक्स टाइम टेबल से पढ़े या टारगेट स्टडी से पढ़े। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि आप टारगेट बना के पढ़िए कि हमको इस दिन में इतना सब्जेक्ट पूरा करना है, आप उसके लिए चाहे दिन में 2 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 3 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 5 घंटा पढ़ना पड़े, तो जैसे भी है जिस तरह से आपको सूट करे आप पढ़िए, ठीक है? तो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स मेकिंग का। अब देखिए, गेट के प्रिपरेशन में ना नोट्स मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बनाने के लिए ना मैंने कैसे बोला कि आप पहले जो आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं अपने कॉलेज में, तो नोट्स आप जब बनाएंगे ना तो जो भी कॉलेज का एक लेक्चर कंप्लीट हुआ उसके बाद आप 2-3 पेज 4 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट लेक्चर का नोट बनाइए, क्योंकि कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सर ने कवर नहीं किया है। तो आप जब गेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि इससे रिलेटेड ये कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप
एनपीटीईएल वीडियो या टेक्स्ट बुक पढ़ के आपको समझ में आएगा, या गूगल गूगल सर्च करके आएगा, तो उसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। ये इस तरह से होना चाहिए कि आपका जो नोटबुक है फाइनल हो जाए एकदम लास्ट में, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे मेरा नोटबुक देखिए, मेरा राइटिंग तो बहुत खराब है, लेकिन ये देखो मैंने जब मैंने ये आईसी बैंगलोर का एक लेक्चर देख करके ये डायमेंशनलेस नंबर का ये नोट बनाया था, और फिर उसके बाद नोट्स में आप देखिए इतना ज्यादा ऐड करना पड़ा, ऊपर ऐड किए। समीप हाँ जी, ये नोट्स का बता रहा हूँ ना कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखिए मेरा जो नोट्स था, मेरा राइटिंग पे मत जाइएगा, कैसे बनाना है मैं वो बता रहा हूँ। देखिए मैं ना ये आईसी बेंगलोर का प्रोफेसर वी कुमारनन का लेक्चर देख करके नोट्स बनाया था, और नोट्स देखिए नोट्स इतना ये हो गया था, मतलब स्टार्टिंग में जो उन्होंने पढ़ाया वो नोट्स बना, फिर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, पता चला कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस एनपीटी ये आपको डायमेंशनलेस नंबर को, तो मैंने वैसे भी लिख रखा है। फिर उसके बाद आप देखिए अलग अलग कोर्स अलग अलग जगह से देख देख कर, जिस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उस तरह से करके मैंने एक ही जगह ये कर लिया। तो अब इसका मतलब क्या, लास्ट में जब मैं ये नोट रिवाइज करूंगा ना तो एवरीथिंग रिवाइज हो जाएगा। देखिए मैंने ये अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज से, या फिर मान लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके इस तरह से, तो इस तरह से ये इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लास्ट में ना दो चार पेज छोड़ दिया कीजिए। मैं स्टार्टिंग में ऐसा पेज नहीं छोड़ता था, तो इसलिए मुझे मेरा नोट्स बहुत एब्रप्ट हो गया था। तो इसलिए इस तरह से आप देखिए किस तरह से मेरा नोट्स बना हुआ है। तो नोट्स जो है ना इस तरह से होना चाहिए कि आपके सारे कोर्स आपका इसी के अंदर नोट्स के अंदर आ जाए, और आपको फिर लास्ट में कुछ और देखने का जरूरत ही नहीं पड़े। तो इस तरह से नोट्स बनाना है। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के ना बहुत सारे बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर बुक्स है। एक तो जैसे अरिहंत का एक निखिल गुप्ता का बुक आता है, वो उसमें प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। ये बुक मेरे पास भी था। इस बुक में अच्छी बात यह है कि आपके क्वेश्चंस अरेंज हैं, तो जैसे आपने फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ा तो फ्लूड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बुरी बात यह है कि इसके आंसर सारे सही नहीं है। तो अब इससे रिलेटेड क्या था कि मैं जो वीडियोज बनाए हूँ उसमें अप टू 2014 तक जो जो आंसर गलत थे मैंने वो बता रखे हैं। उसके आगे का तो फिर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि आप ये बुक खरीद लीजिए, क्योंकि आपके पास एक हार्ड कॉपी प्रीवियस ईयर पेपर का बुक होना चाहिए, ताकि उसमें कुछ भी आप अपडेट कर सकें, ताकि आप एक बार से जब सेकंड टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप उस बुक में मार्क कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है। तो जो क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है उस पर आप एक मार्किंग कर दिया आर करके, या जो भी आप अपना एक मार्किंग बना लीजिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक हार्ड कॉपी प्रीवियस ईयर पेपर का बुक होना चाहिए। एक और अच्छी वेबसाइट है unitoperation.com, वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर रिलेटिवली बेटर था ये अरिहंत की बुक से। हमारे टाइम तक तो ये वेबसाइट फ्री थी, अभी थोड़ा पेड है, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं। क्योंकि गेट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मुझे कोई बोले कि एक चीज़ बताओ मुझे गेट के लिए करना है, तो मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और कोई बोलेगा कि नहीं 10 चीज़ बताओ लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बताओ, तब भी मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो इसलिए इसमें आप थोड़ा इन्वेस्ट करो तो नुकसान नहीं है। एक एम सुब्बू करके एक बुक है, एम सुब्बू की बुक, हमारे टाइम में अप टू 2000 तक इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और इसके आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट थे। लेकिन हमारे टाइम पे ओनली 90 से लेकर 2000 तक के इसके आंसर थे, अभी कितना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। तो आपको अगर ये इसके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिलते हैं तो आप इसको जरूर ले सकते हैं। इसके सॉल्यूशन मेरे पास ये तीनों ही बुक थे, मैंने तीनों बुक से देखे थे। जो भी क्वेश्चन में मुझे डाउट होता था कि ये सोर्स पे सही आंसर नहीं है तो मैं दूसरे सोर्स से चेक कर लेता था। ठीक है, ये तो हो गए आपके केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो एक राम प्रसाद की भी बुक है, अगर आप तीनों सोर्स रखते हैं तो फिर ये चौथे सोर्स की जरूरत नहीं है। ये राम प्रसाद वाली भी हालांकि मेरे पास थी, इसमें कुछ प्रोसेस डायनेमिक्स मतलब मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस के सॉल्व एग्जाम्पल मुझे अच्छे लगे थे, तो सारे तो नहीं किए थे बट कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स इसमें थे, वो भी गेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे तो उससे मैंने किए थे। तो अल्टीमेटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके पास दो तीन सोर्स हो तो कोई बुरी बात नहीं है, एक सोर्स आप मेन रखिए और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि इस सोर्स में सही आंसर नहीं है तो दूसरे सोर्स से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाइए एक और चीज़ है कि मैथ्स को लेकर बात करते हैं। कि मैथ्स का देखिए मैथ्स का जो सिलेबस है ना, मैथ्स का सिलेबस अगर आप देखो केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आप देखो ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैथ्स को का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है। तो मैथ्स के लिए आप क्या करो कि अपने केमिकल इंजीनियरिंग के अलावा और सारे ब्रांचेज जिसके सिलेबस सेम है उस सारे ब्रांचेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जैसे मैंने
बहुत सारे कोचिंग इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, क्वेश्चन बुक हैं मैथ्स के लिए, जैसे ये एस का है, जैसे ये मेडी जी का है, उसी तरह ये मेरा एक्चुअल बुक था। इसमें मैंने किस किस ब्रांच के कर लिए थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पीआई के और केमिकल इंजीनियरिंग से लेकर के, ये पूरे सारे पेपर मैंने सॉल्व कर लिए। तो मैथ्स का तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा बहुत सारे बुक और भी होते हैं जिसको आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस बुक्स हैं। ये देखिए निखिल गुप्ता ने भी एक बुक लिखी है। आपको देखिए, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको गेट से रिलेटेड बुक खरीदने की जरूरत है, बाकी कोई गेट से रिलेटेड बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सब आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है वो सब आप मेरे यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक हेल्दी कंपटीशन रखते हुए ग्रुप में तैयारी करिए तो बेहतर रहता है। आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं कोई टॉपिक पे रिलेटेड, तो डिस्कशन करने से बहुत सारे कंसेप्ट ना क्लियर हो जाते हैं। और अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है ना, तो आप लोग एक दूसरे को टीचिंग करोगे ना, तो उससे कंसेप्ट जितना क्लियर होता है ना, उतना ज़्यादा कोई तरीका नहीं है क्लियर करने का। क्योंकि आप जब आप किसी को पढ़ाते हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह से अरेंज करते हो ना टॉपिक्स को, ताकि सामने वाले को समझाए, तो ये अरेंज करने के दौरान आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और इसलिए मैं तो अभी भी यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाता रहता हूँ, क्योंकि पढ़ाने के दौरान सबसे ज़्यादा मैं ही लर्न करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये है कि कोई बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एनपीटीएल वीडियो या फिर इंटरनेट का जरूर जरूरत कर यूज करिए। और कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल मंत्र है। इसलिए आप नोट्स बनाइए और नोट्स को रिवाइज करते रहिए, और रिवीजन के दौरान आप अपडेट भी करते रहिए, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी अच्छे स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा नहीं कर बोलना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका कैलकुलेटर एक्चुअल एग्जाम में होगा, उसी से अगर कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट के 7 दिन तक आप सिर्फ रिवीजन के लिए रख लीजिए, तो आप लास्ट का 7 दिन अपने लिए पहले से ही हटा दीजिए, उसमें लास्ट के 7 डेज में ही रिवीजन कीजिए। तो अगर आप लोग थर्ड या फोर्थ ईयर में हो गए, आपके पास टाइम कम है ना, तो भी मैं यही बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपका अच्छा रैंक तो आ जाएगा, डेफिनेटली टॉप 10 20 में ना आए, लेकिन फिर भी टॉप 100 रैंक तो आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर आपके पास आप सेकेंड ईयर में पूरा कंप्लीट नहीं किए, तो भी कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 1990 से लेकर 2022 तक करना है, टाइम कम है तो 2000 से लेकर 2022 तक करना है, उससे भी कम टाइम है तो 2005 से, ऐसे। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर करना है, नहीं तो आपको गेट का कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा। गेट बहुत आसान एग्जाम है अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर सकते हैं तो ये कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज करने से ना, आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करने से और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करने से ना, आपकी बॉडी और माइंड उस तरह से डेवलप हो जाती है जो रियल एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज करते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज में आप अगर फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका एक से ज़्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वेश्चन रहते हैं, तो आप एक तरह से मतलब माइंड में, आप जैसे अभी जैसे मैं जस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के और फ्लूइड मैकेनिक्स का टेस्ट दिया, तो आपके पास सारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत इजी है। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके एग्जाम देते हैं ना, तो जस्ट आपने लास्ट 1-2 दिन में तो दो ही कोई टॉपिक पढ़ा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से मास ट्रांसफर, लेकिन उसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको रिकॉल करने की एक हैबिट बन जाती है। तो रिकॉल करने का हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लास्ट दिन तक आप सारे टॉपिक पढ़ के नहीं जा सकते, और वो टेस्ट सीरीज से आएगा। एक दूसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, कि आप जब टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो आप टेस्ट सीरीज देते समय एक अपना स्ट्रेटजी डेवलप करते रहे, कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज कैसे देना है वो भी आप रियल एग्जाम के टाइम पे दीजिए, एक्चुअल कैलकुलेटर यूज करके दीजिए, तो ये सब तरीका से ना आप पूरा तैयार हो जाएंगे टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। एक ही बात करना है, कहना है कि टेस्ट सीरीज में कभी भी मार्क्स के ऊपर मत जाइए, क्योंकि मार्क्स जो है ना वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ, मतलब हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में खास करके कोई भी अच्छा टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। तो मार्क्स पे तो जाना ही नहीं है, गेट के सिलेबस से होता नहीं है, बस आपको एग्जाम के अनुसार आपको हैबिचुएट करना है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज को देना है, मार्क्स को बिल्कुल मत देखिएगा। बस ये है कि टेस्ट सीरीज देने के बाद टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं पर टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ना, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप 1 घंटा 3 घंटा का टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ना, तो 6 घंटा आप एनालिसिस करने में लगाइए, ताकि कौन सा कंसेप्ट में आप गलती कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप उसको नोट अपने नोट में भी अपडेट कर लीजिए कि ये चीज़ पे मैं मिस्टेक होता है, तो उस तरह से आपका ये बहुत अच्छा होगा।
है। और दूसरी बात कि अगर आपके पास, कई बार क्या होता है ना कि टेस्ट में, मेरा एक सजेशन यह है कि एक्चुअल टेस्ट हो या टेस्ट सीरीज हो, तो आप कोई क्वेश्चन में स्टकअप नहीं होइए। क्योंकि स्टकअप होने में ना क्या दिक्कत होता है कि अगर आप मान लीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट लगा के एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम कम हो जाता है। तो अगर आपके पास बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम है, तो आपके आपके एक क्वेश्चन तो सही कर लिया और बाकी क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होंगे, तो इसलिए स्टकअप मत होइए, आप कंटिन्यू मूव करते रहिए। तो मेरा कैसा स्ट्रेटजी था कि मैं पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन करता था, क्योंकि वो ईजी था। 1 मार्क्स क्वेश्चन कुछ सॉल्व होने के बाद ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता था, और फिर मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जाता था। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ अगर फंस रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गया, ऐसे अगर 2-4 क्वेश्चन अगर फंस गया ना, तब मैं एप्टीट्यूड पे चला जाता था, क्योंकि एप्टीट्यूड तो इजी ही आता है गेट एग्जाम का। तो एप्टीट्यूड करने से क्या होता था, फिर वापस कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता था, फिर वापस आ जाता था। कई बार क्या होता है ना, कोई कोई एक क्वेश्चन में आप अटक गए ना, तो वो क्वेश्चन आप अटके रहेंगे तो बहुत टाइम लगा देंगे, तो भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आप 2-4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करके वापस आप उस क्वेश्चन पे आएंगे ना, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटा सा फॉर्मूला आप गलत लिख रहे हैं ना, आप उसको उसी टाइम पे 2-4 बार लिखोगे तो हर बार गलती लिखते जाएंगे। इवन कैलकुलेशन में भी 9 × 2 = 18 की जगह 28 लिख दिया, तो 2-4 बार आप वही गलती कर सकते हैं। ऐसा मेरे साथ होता था। तो अब वही आप 5-10 मिनट बाद उस पे वापस आओ, या फिर पूरा पेपर सॉल्व होने के बाद वापस उस क्वेश्चन पे आओ, तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो मैं स्टकअप होने के लिए मना करूंगा कि स्टकअप मत होइए। मैंने गेट 2013 में एग्जाम दिया था, उस समय मेरा 36 रैंक आया था। उसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि एक मटेरियल एनर्जी बैलेंस का एक क्वेश्चन था, उसमें मैं स्टक हो गया। मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब उसमें मैंने 10-15 मिनट लगा दिए, क्वेश्चन हो गया जरूर, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में इजी क्वेश्चन के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो उसमें मेरा मार्क्स थोड़ा कम हो गया। तो इसलिए मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ, आप अपना एक स्ट्रेटजी जरूर बनाए जो आपको बेस्ट सूट करता है। मैं ऐसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे नहीं करना, और वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेना है एक, और टेस्ट सीरीज में आपसे क्या सिली मिस्टेक्स हो रहा है वो देखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज करना है। उससे आपको कोई रैंक नहीं देखना, उसका कोई मार्क्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब टेस्ट सीरीज का मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं वो हो रहा है, तो मतलब सब कुछ सही है। बस आप टाइम बाउंड टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा कि आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रहा है वो पता चलेगा। तो ये जरूर दे दीजिए, और इतना करने के बाद आप एग्जाम के पहले आप प्रॉपर स्लीप लेकर के कॉन्फिडेंट रहिए। तो और एग्जाम में वही मैं यही बोलूंगा, स्टकअप मत होइए। तो ये मेरा एक स्ट्रेटजी के लिए एक पार्ट था। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे वीडियो हैं जहाँ से देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको लंबा नहीं खींचता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग आप लोग से इंटरेक्ट करें, ताकि आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें फिर क्या इशू आ रहा है उससे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी मैं आप लोग को ओपन करता हूँ कि आप लोग अपने कोई जो टॉपिक है उससे, मैंने कोई इशू है गेट के से रिलेटेड, तो आप लोग अपना क्वेश्चन कीजिए, फिर उससे रिलेटेड बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मे बी इट्स अ सिली क्वेश्चन फॉर यू, बट आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट इंग्लिश फ्लुएंसी इज हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर द पीएसयूज इंटरव्यूज। इंग्लिश नॉट मच इंपॉर्टेंट। You can even give an interview in Hindi. No issue. Yes, sir. Okay, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is, sir, ki, what is the role of books in GATE exams? The books which are preferred by the teachers. Matlab, I couldn't get. Matlab, book, kaun sa book ke baare mein baat kar rahe hai? Sir, jo books humare teachers refer, jaise main fluid mechanics padh raha hun. तो जो हमारे टीचर ने बुक रेफर किया अदर देन दैट ऑफ द स्लाइड्स व्हिच आर टॉट इन द क्लास, तो मैं वही जानना चाह रहा हूं सर, बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है रीडिंग मानना, उसको समझना फॉर द गेट प्रिपरेशन। देखिए, मेरा अभी तो सबका अलग अलग हैबिट होता है। बहुत लोग का होता है कि क्लास में पढ़े और उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मेरा जैसे था पढ़ने का हैबिट था। अब इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बुक्स पढ़ने का हैबिट है तो जरूर बुक्स पढ़िए। उससे अच्छा कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन करने का कोई और बहुत अच्छा तरीका नहीं। ऑब्वियसली लेक्चर से अच्छा तो बुक से नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार बुक पढ़ोगे और जो प्रोफेसर हैं वो कई बुक्स पढ़े हैं और कितने साल से पढ़ रहे हैं, तो उनका जितना अंडरस्टैंडिंग है उतना आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि क्लास के पहले अगर आप थोड़ा बुक्स पढ़ लोगे ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा आइडिया रहेगा, तो आपको क्लास में इंटरेस्ट बना रहेगा। एक दूसरा बात कि कई बार कोई
टॉपिक है जिसमें आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर भी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप पढ़ सकते हो, तो उससे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ बुक्स पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, लेकिन आपको लास्ट में बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप उस बुक से जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं उससे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अपने नोट में एंटर कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं तो सारी बुक पढ़ा हूँ, आप जो भी बुक का नाम लो मैंने सारे बुक पढ़ा है। हमारे कॉलेज में फॉगलर से केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ाते थे, बट मैं लेवेंसपिल भी पढ़ता था, और मैं बहुत सारे टॉपिक हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का जो लेवेंसपिल में अच्छा है, कुछ टॉपिक हैं जो फॉगलर में अच्छा है, तो मैं तो दोनों ही बुक रिफर करता था। उसी तरह आप प्रोसेस एडमिशन कंट्रोल का कॉफनर से पढ़ाते थे, पर कोई कोई टॉपिक जो क्लियर वहाँ से नहीं हुआ मैं उसको सीबॉक से पढ़ लिया, या फिर एक और बुक ऑथर थे, मेरा नाम नहीं याद है। तो इस तरह से आपको जो टॉपिक में आप फंस रहे हैं ना उसको जरूर बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है उसका कोई कंसेप्ट आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा है जिस उस वजह से आपको वो टॉपिक में फंस रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट को कॉलेज प्लेसमेंट और गेट प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना चाहिए साइड बाय साइड? अब देखिए, अगर आप कोर के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो कोर के लिए तो आपको गेट का सिलेबस पढ़ना ही है, मतलब ऑलमोस्ट आपका सिलेबस और जो कोर के जो इंटरव्यू क्वेश्चन है मोर और लेस सिमिलर टाइप के ही होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी कंपनी है, तो उसके लिए तो मैनेज करना मुश्किल नहीं है। बाकी अगर कोर से आउटसाइड अगर आप कर रहे हैं तो फिर भी मुझे लगता है तब थोड़ा मुश्किल होगा। उस केस में आपका जो प्लेसमेंट है, आप लोग का प्लेसमेंट कब स्टार्ट होता है, मतलब गेट का एग्जाम अराउंड नवंबर, नवंबर में स्टार्ट सब होता है, कोर कंपनीज नवंबर से स्टार्ट होती है। तो आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कोर कंपनीज के लिए बोल रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी सबके लिए इंटरव्यू के लिए? यस, कोर कंपनीज के कोर लिए। कंपनीज के लिए तो बहुत आसान है, आप गेट का सिलेबस करेंगे ना तो साथ में आपका कोर कंपनी का भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। मतलब इंटरव्यू में कोर कंपनी बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एक्सचेंजर डिजाइन, डिस्टिलेशन कॉलम डिजाइन, बर्नौली इक्वेशन, इसी तरह के क्वेश्चन तो पूछते हैं, तो आपका तो गेट के सिलेबस के साथ वो भी हो ही रहा है। हाँ, ये है कि आपका जब एक बार प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया तब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, और उसके पहले आप थ्योरी और कंसेप्ट वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जैसे हमारे टाइम में जब कंपनीज आ रही थी स्टार्टिंग में, तो उस 1-2 महीने पहले हमने सिर्फ थ्योरी पर फोकस कर दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा नहीं फोकस किया था, और जब एक बार सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद फिर जो टाइम बचा फिर क्वेश्चन सॉल्व पे ज़्यादा फोकस कर लिया था। अगर आपने थैंक अपने अपने सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पे अपना सब्जेक्ट अच्छे से कर रखे हैं तो ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं कर रखे हैं तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा। यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ देवाशीष बोलिए। देवाशीष, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन था कि सर अगर मतलब हम लोग थर्ड ईयर में अटेम्प्ट नहीं लेते हैं और डायरेक्ट फोर्थ ईयर में ही अटेम्प्ट लेते हैं तो इससे कोई बैकडोर होता है क्या हमारा? नहीं, कोई बैकडोर नहीं होता है, लेकिन गेट का तो कोई लिमिटेड चांस तो है नहीं, तो आपको अटेम्प्ट क्यों नहीं लेना है, अटेम्प्ट ले लीजिए, उसमें नुकसान क्या है? सर मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे सिलेबस थोड़ा कंप्लीट नहीं है तो क्या उस दिक्कत है, कंडीशन पे। क्या दिक्कत है, वो रैंक अच्छा नहीं आएगा उसमें क्या है? आप देखिए, जब आप कोई एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे ना तो सिलेबस कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा, आप बिल्कुल एग्जाम नहीं देंगे तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। आपका एक एग्जाम का आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो नेक्स्ट ईयर बहुत काम आएगा। आप ओके सर। इसी बहाने आप सोचो कि आप थर्ड ईयर दे रहे हो, आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट तो कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अगर आप एग्जाम दे छोड़ दोगे ना तो आपका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आप जरूर एग्जाम दीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, गेट के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रीवियस ईयर पेपर करना है, और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है उससे ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपको पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड आप अगर 90 से लेकर 2022 तक 2-3 बार कर लेते हैं ना, समझ के, ऐसा नहीं रट के, समझ के, मतलब हर एक कंसेप्ट को अगर आप समझ के करते हैं ना तो आप डेफिनेटली अंडर 50 रैंक आओगे। ये मैं अपने अपने को देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं थ्रू आउट 7-8 साल से मैं देख रहा हूँ जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा किया है, अंडर 50 रैंक डेफिनेटली आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इजी भी नहीं है, आप जैसे सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा। आपको कई बार होगा कि आपको क्वेश्चन अटक जाएंगे, आपको सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। आप सोल्यूशन देख के प्रीवियस ईयर किए तो मैं उसको नहीं मान रहा हूँ कि ये हुआ। आप एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जब करो तो खुद से होना चाहिए। जब आप सोल्यूशन देख रहे हो तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो। ऐसा नहीं जस्ट सोल्यूशन देख लिया, सोल्यूशन देखा उससे रिलेटेड आप टेक्स्ट बुक में पढ़ो, उससे रिलेटेड नेट पे अनलेस अंटिल आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक आपका वो क्वेश्चन पूरा हुआ ऐसा नहीं मानना चाहिए। और फिर अल्टीमेटली उसको नोट में अपडेट कर दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अगर कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर में जस्ट क्वालिफाई किया है तो क्या वो इस साल गेट 2023 में डेफिनेटली आ सकता है? मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि बिना कोचिंग के ही होता है अच्छा रैंक। देखिए गेट ऐसा एग्जाम है ना, आईआईटी जेई का एग्जाम और गेट में फर्क है। ये गेट जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट है। आप देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा और थोड़ा मैथ्स अच्छा आता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोचिंग का जरूरत ही नहीं है। ये कोचिंग वालों ने दिमाग में आपके बैठा दिया कोचिंग का जरूरत है, नहीं तो हमारे टाइम में कोई कोचिंग करता ही नहीं था और सभी अच्छे ही रैंक लाते थे। ऐसा नहीं है, गेट के कोचिंग के बगैर डेफिनेटली अच्छा रैंक आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। हाँ आप एक चीज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो कोई कोचिंग का, वो अच्छा है। yes. और आप खुद से कर सकते हो, आपको करने का आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं उसका क्राइटेरिया क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो सही ट्रैक पे हो, अदरवाइज आपको अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एनपीटीएल का वीडियो देख सकते हो। एनपीटीएल के लेक्चर सही में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एनपीटीएल का लेक्चर गेट के सिलेबस के अनुसार नहीं है, सारे लेक्चर आप देख नहीं सकते। तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखो जिसमें आपको फंस रहे हो। जैसे सीआरई का कोई कोई टॉपिक है ना जो थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, तो आप उसके लिए गेट ये एनपीटीएल के वीडियो देख सकते हो। थैंक यू। अंकित प्लीज यू कैन प्रोसीड विद योर टॉपिक। Hello sir, sir can you please suggest some names of tools name that eventually फायदा करेगा PSU's interviews में? Tools means what tool? Means like जैसे S-Pen Plus होता है, Excel होता है, तो उन सब को छोड़ के कोई और कुछ है? नहीं, ये S-Pen Plus, Pro 2, Excel ये आपके knowledge के लिए अच्छा है और PSU में जब आप आएंगे तो आपके काम के लिए भी अच्छा है, लेकिन interviews के लिए important नहीं। Okay sir, thank you sir. Devashish, if you have some query, then please speak up. No, I don't have any. Ashish, you can proceed. Ashish, you can proceed with it. Ready? Yes, sir. Audible? Yes, yes, you are audible. A question is, sir. Question is, sir, the person जिसको बीटेक करके जॉब मिला सर कोर में और जेमटेक करके वो कोर में गया, तो दोनों में क्या मेजर डिफरेंस आएगा सर? कोई डिफरेंस देखिए पीएसयूज में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ पीएसयूज में जैसे हमारा जैसे आईओसीएल की बात करूँ तो आईओसीएल का एक आरएनडी सेक्टर भी है, डिवीजन है, तो अगर आपका एमटेक है तो उस आरएनडी में भी जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। अदरवाइज रिफाइनरीज में है तो चाहे आपके पास एमटेक डिग्री है चाहे बीटेक डिग्री है कोई फर्क नहीं, मतलब अगर पीएसयूज की बात करें तो उसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उधर जाना है तो फर्क है। देखिए अगर आप पीएचडी करते हैं और आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, प्रोफेसर बनना है या रिसर्च में इंटरेस्ट है तो पीएचडी डेफिनेटली बेटर है, लेकिन उसके लिए आपको फिर 4-5 साल 6 साल आपको और टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो बेहतर है, अदरवाइज एकदम बीटेक के बाद जस्ट अगर जॉब की ज़रूरत है तो ये अच्छा है। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा पीएचडी बेटर है, नहीं तो बाकी सर बता देंगे, आनंद सर तो के पास दोनों एक्सपीरियंस है। ओके सर,
थैंक यू सर. थैंक यू. एंड नाउ ऑफ कोर्स यू कैन कंटिन्यू विद योर क्वेरी. सर थ्योरी पढ़ तो लेते हैं और ऐसा फील भी होता है कि क्लियर है, लेकिन बहुत बार न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है. और फिर मतलब जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो वो लोग अप्रोच करने का सलूशन बताते हैं, लेकिन खुद से नहीं हो पाता है, बहुत बार सोच ही नहीं पाते उस तरीका को. कोई बात नहीं, इसको जब कैसे डील करना है. कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब आप एक बार देख लें तो आपको पता चल जाता है ना कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं. तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट वो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए. देखिए आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको लगता है ना कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, लेकिन वो होता नहीं है एक बार में पढ़ने से. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आपको पता चलता है कि ये अच्छा ये थ्योरी तो ऐसे है. जब एक एक बार की रीडिंग में क्लियर नहीं होता है सब चीज़, लगता है कि हमें समझ में आ गया, लेकिन जो छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट डिटेल है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में लगता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ोगे तब पता चलेगा नहीं नहीं ये तो सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू ये तो फ्लो सिस्टम के लिए हम लगा ही नहीं सकते. तो ये आप फर्स्ट बार में आप पढ़ोगे बिना तो भी आपको वो क्लिक नहीं करेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलेगा. जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, जैसे कोई प्रॉपर्टी रिलेशन है, जैसे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू से ही आपने एक प्रॉपर्टी रिलेशन निकाल लिया TDS का, तो वो प्रॉपर्टी रिलेशन आपने आप देखो अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ रिवर्सिबल सिस्टम के लिए हमने निकाला है. फिर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे कि नहीं नहीं ये तो स्टेट फंक्शन है, ये तो सारे सिस्टम में लग सकते हैं. तो डेफिनेटली आप एक बार में ये चीज़ ग्रैप्स नहीं कर सकते, इसमें कोई नुकसान परेशान होने वाली बात तो है ही नहीं. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होते थे, मेरे से भी नहीं होते थे. एक बार सॉल्यूशन देखा. हाँ हाँ बोलिए. अच्छा हमारे साथ जो कोचिंग कर रहे हैं मतलब वो लोग को बहुत सारा ट्रिक्स पता होता है और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है वो पता होता है. तो वो लोग के पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो लोग टाइम सेव कर रहे हैं और मतलब मेरे को डबल टाइम लगता है उस चीज को. हाँ ये ये एक इशू आ रहा है. अगर देखिए अगर टाइम का इशू है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ उधर थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर खुद से करने के बाद जो आपका नॉलेज बिल्डअप होगा वो तो कोचिंग से कभी नहीं होगा. खुद से करने से थोड़ा टाइम तो इसमें ज़्यादा लग सकता है, और ऐसा नहीं है कि जो लोग कोचिंग करते हैं वो सभी अच्छा ही कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है. बिल्कुल डेफिनेटली अच्छा नहीं है. देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से भी नहीं होता था, ये डेफिनेटली आप ये जान जाइए. फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी 30-40% ही क्वेश्चन कर पाता था, लेकिन जब मेरा गेट एग्जाम आने गया तो मैं 100% कर लेता था. तो क्या है, दो तीन बार किया ना मैं, इसलिए तो आप बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक बार नहीं दो तीन बार चार बार करना है. क्यों करना है, मुझे पता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे सब होंगे ही नहीं, तो आप उसको सोल्यूशन देखोगे, फिर उससे रिलेटेड आप फिर से टेक्स्ट बुक या वीडियोज देखोगे, उससे तब आपको वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, उसको आप नोटबुक में डाउनलोड कर नोट लिख लेंगे, फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन करोगे तो फिर बहुत आसानी से हो सकता है. उस बार भी नहीं हुआ तो आप नोटबुक आपने प्रीवियस ईयर पेपर में आप रिवाइज के लिए डाल दीजिए, ताकि थर्ड अटेम्प्ट में आपसे हो रहा है कि नहीं देखिए. नहीं हो रहा है तब तक आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है. और कोचिंग का पता नहीं, मुझे तो लगता है कि NPTEL वीडियोज में जो प्रोफेसर्स हैं एक सब्जेक्ट में 10-10 साल 15-15 साल पढ़ा रहे हैं, उनसे अच्छा कौन पढ़ाएगा सोचिए. उसी सब्जेक्ट में वो 15 साल से हैं, उसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं, उससे अच्छा कंसेप्ट किसका किसका होगा, किसी का नहीं. हाँ एक ही दिक्कत है कि NPTEL का कौन सा वीडियो देखना है कौन सा नहीं देखना है, तो उसके लिए आप मेरा वीडियो रिफर कर सकते हैं जिसमें मैंने बता रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा वीडियो देखना है. और उसके बाद भी 14 के बाद 2022 तक बहुत सारे और वीडियोज आ गए होंगे, तो अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा वीडियो है. कोचिंग में अलग क्या बताएंगे, वो आपको मैथ्स तो नहीं सिखाएंगे. अगर आपको बेसिक मैथ्स पता है तो कंसेप्ट ही तो जानना है, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या है, मैथ्स है और कंसेप्ट है. कंसेप्ट आप NPTEL वीडियो से देखो और मैथ्स तो आपको आता ही है, तो सॉल्व हो जाएगा. फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो रहा मतलब कंसेप्ट में दिक्कत है. अलग से क्या बताएंगे कोचिंग में, कुछ और तो नहीं बता सकते. देखिए आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ईयर बाई ईयर सब बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से करते हैं और करते नहीं है, अंडर 50 रैंक लाते हैं. और आप नहीं हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखो, मैं बीच बीच में ऐसे कोई कोई स्टूडेंट को साथ इंटरव्यू भी लेता हूँ, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट खुद से करते हैं, इसमें कोई बात नहीं. ये डिपेंड करता है आपका कैटेगरी पे और डिपेंड करता है कि उस ईयर PSUs में कितने वैकेंसी हैं. कई बार क्या होता है ना PSUs में अच्छे नए नए प्रोजेक्ट आते हैं ना,
तो बहुत सारे वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। और उस साल तो बहुत सारे बहुत पीछे रैंक तक का हो जाता है, और कई बार वैकेंसी कम रहती है तो अच्छे रैंक पे ही होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और सेफ जोन में रहना चाहते हैं, तो मैं तो बोलूँगा अंडर 50 सबसे सेफ है, अंडर 100 भी ठीक है। लेकिन अगर कोई साल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इवन जनरल कैटेगरी में 200, 300, 400 रैंक तक हो जाता है। बाकी OBC के लिए थोड़ा ज़्यादा और शेड्यूल कास्ट के लिए थोड़ा और ज़्यादा, इस तरह से। थैंक यू सर। इसमें थोड़ा लक काम कर जाता है। कई बार किसी किसी बैच के साथ ऐसा होता है कि इतनी वैकेंसी कम रहती है PSUs में कि उस साल बहुत अच्छे रैंक का ही हो पाता है, और कई बार इतनी वैकेंसी आ जाती है। जैसे 2014, 13 और 15, 16 में देखा है, 15, 16 में इतनी वैकेंसी थी ISCL में, तो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ, और 13, 14 में बहुत कम हुआ था, 13 में तो और भी कम हुआ था। तो ये डिपेंड्स करता है वैकेंसी कितनी है उस पर। तो इसलिए आप तो सेफ जोन में रहिए, आप अंडर 50 रैंक लाइए, डेफिनेटली सेफ हो जाएंगे, कोई ना कोई PSU में हो जाएगा। कैन वी फोकस ऑन कोडिंग एंड गेट एट द सेम टाइम? विल गेट लूज इट्स सीन ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन इन द फ्यूचर? नहीं, देखिए, कोडिंग एंड गेट एट द सेम टाइम, इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी एबिलिटी है एक साथ दो चीज़ करने का। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। कुछ लोग एक साथ दो तीन काम कर सकते हैं। हमारे हमारे साथ IIT रुड़की में एक स्टूडेंट थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो कोडिंग में उनको बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। बाद में उन्होंने रेजर पे करके कंपनी के फाउंडर हैं, आप लोग शायद नाम भी सुने होंगे। तो वो कोडिंग करते थे, साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करते थे। मेरे साथ कुछ एक दो कोर्स हम लोग किए थे, तो दोनों चीज़ एक साथ वो मैनेज इतना अच्छा करते थे। इधर CGPA भी अच्छा है और कोडिंग भी बहुत अच्छा है। तो इट डिपेंड्स, अब मेरा जैसा है, मेरा एक ही चीज़ पे फोकस हो पाता है, तो मेरे लिए तो मुश्किल है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के आदमी हैं। दूसरा ये है कि विल गेट लूज इट्स साइन ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन इन द फ्यूचर। देखिए, प्राइवेटाइजेशन ना, ये चीज़ तो जान जाइए, प्राइवेटाइजेशन नियर अबाउट 5-10 साल के अंदर सारे PSU प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, ये तो जान लीजिए, बहुत मुश्किल है। ह्यूज कंपनीज है, ह्यूज कंपनीज, खरीदार नहीं मिलेंगे। आप देखो, BPCL के लिए प्राइवेटाइजेशन की बात थी, BPCL कहाँ बिक पा रहा है, कोई खरीद। देखिए, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है नहीं, क्योंकि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का फ्यूचर ही डाउटफुल है। तो पहली बात तो प्राइवेटाइज होना इतना आसान नहीं है, एक चीज़ है। दूसरा यह है कि गेट एग्जाम सिर्फ प्राइवेट इसी के लिए नहीं है। गेट एग्जाम से आपका मास्टर डिग्री है, इसके अलावा गेट एग्जाम से लोग सिंगापुर में PhD करने भी चले जाते हैं, अच्छे NUS में होता है, बहुत सारे जर्मनी में और सिंगापुर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे PhD के लिए डायरेक्टली गेट के थ्रू होता है। तो गेट एग्जाम तो रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। हाँ, PSUs के लिए ज़्यादा स्टूडेंट देते हैं, थोड़ा कम हो जाएंगे, बट ओवरऑल तो रहेगा। और रही बात प्राइवेटाइजेशन की, तो मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में अभी जस्ट प्राइवेटाइज होने वाला है। ये तो थोड़ा इशू लग रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है ये सब, ISCL, ONGC, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसको कोई खरीदना इतना आसान काम नहीं। हाउ वेल शुड यू नो द फंडामेंटल्स टू एक्सेल एट इंटरव्यूज? इंटरव्यूज डिपेंड करता है कि कौन सा इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप EIL का जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर BARC का इंटरव्यू दे रहे हैं, BARC के लिए तो आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए, उसका बहुत टेक्निकल इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर आप ISCL, ONGC इस तरह के जो PSU हैं, GAIL का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें रिलेटेड टू मतलब रिफाइनरी रिलेटेड और इक्विपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलग अलग कंपनी और अलग अलग जॉब के हिसाब से इंटरव्यू के क्वेश्चन वेरी करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाना, बहुत सारे जो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन है मैंने शेयर किए हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर रिफाइनरी में जा रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू में? डिस्टिलेशन कॉलम, पंप्स, हीट एक्सचेंजर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब आप BARC देने जा रहे हैं, तो उसका फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट फेनोमेना भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आपका प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल CRE इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जबकि रिफाइनरी के इंटरव्यू के लिए CRE उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी कोई कोई पूछ देता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब हो जाते हैं। तो इट डिपेंड करता है ना कि किसका इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप कोई रिफाइनरी में अगर आपने इंटर्नशिप किया है, तो डेफिनेटली रिफाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डेफिनेटली। या फिर आप किसी और जगह इंटर्नशिप किए हैं, जहाँ इंटर्नशिप किए हैं ना, इंटरव्यू जो होता है ना, 50% आपका कोर्स से क्वेश्चन और 50% इंटर्नशिप से क्वेश्चन, इसलिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू के लिए।
तो जहाँ भी इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 4 साल का कोर्स है 50% क्वेश्चन, और सिर्फ 2 महीना का जो इंटर्नशिप किया है 1.5 महीना का, वहाँ से 50% क्वेश्चन, या फिर जो आपका प्रोजेक्ट है उससे। तो इसलिए इंटर्नशिप अच्छे से करना चाहिए। अगर आपका इंटर्नशिप किसी ऐसी कंपनी में जैसे बार्क में इस सब में है, तो आपसे फंडामेंटल क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। व्हाट आर द हॉट टॉपिक्स फॉर रिसर्च फॉर केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड? भाई मैं तो रिसर्च में हूँ नहीं, मैं तो अभी रिफाइनरी में हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा ये आंसर करना मुश्किल है। आप अपने प्रोफेसर से पूछिए। हमारे कुछ फ्रेंड्स गए थे PhD करने US, वो लोग बोल रहे थे बैटरी पर बहुत रिसर्च चल रहा है, कि अगर एक बार बैटरी अच्छा बन जाए, ताकि उसको चार्ज करने के 1 महीना 6 महीने तक चार्ज करने की ज़रूरत नहीं हो, इस तरह का अगर बैटरी बन जाए, तो इस पर बहुत रिसर्च चल रहा है केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। और सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं वो बैटरी ड्रिवन, उसके लिए वो बहुत रिसर्च चल रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या क्या हॉट टॉपिक, मैं इस फील्ड में हूँ नहीं अभी। तो हमारा जो रिफाइनरीज है उसमें रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है, क्या क्या रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी का, उसके लेकर बहुत रिसर्च चल रहा है। एनी अदर क्वेरी? संदीप जी, बहुत ही कम नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे आप जो है एकदम रेडी हो गए तुरंत। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कितना जल्दी आप रेडी हो जाएंगे। मुझे तो सर ये अपॉर्चुनिटी जैसा लगा कि अपने जूनियर लोग से बात कर पाए। केट से रिलेटेड और इससे रिलेटेड मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करता ही रहता हूँ, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते रहते थे, तो मैं सोचा ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकता हूँ। थैंक यू सर आपको भी। बाकी तो आपका चैनल के तो काफी सारा मटेरियल है, स्टूडेंटों को तो वहाँ से भी काफी हेल्प मिल जाएगा, खास करके टॉपिक वाइज, इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, एमपीटीएल में कौन सा लेक्चर देखना है, वो सब काफी हेल्प मिल जाएगा जो मतलब इंटरेस्टेड है, मतलब सीरियसली उनको गेट करना है, नहीं तो उतना आसान रहा नहीं। नहीं सर, ये एग्ज़ाम आसानी है, जो जो एक्चुअली में गेट करना चाहता है उसके लिए आसानी है सर। मैं हाँ बिल्कुल, मैं 7-8 साल से जूनियर लोग के कांटेक्ट पे रहता हूँ, मुझे एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जो गेट की तैयारी सीरियसली कर रहा था, और उसका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है 2-3 अटेम्प्ट में PSU में नहीं है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जानता हूँ। मुझे तो कॉलेज और टीचिंग ये बहुत अच्छा लगता है, वो अलग बात है मैं रिफाइनरी में हूँ, बट वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, इंट्रैक्शन का जरूरत है, बाकी आपकी तरह फील्ड में होना चाहिए। और अभी देखिए न्यूज़ में भी आ रहा है कि देखना स्कीम लेके आ रहा है ना प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ओके उसमें क्या है कि इंडस्ट्री के पीपल को जो है इंस्टीट्यूट वाले जो है हायर कर सकते हैं, 10-15 years का एक्सपीरियंस। ओके ओके, तो बहुत ये स्कीम आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 5-10 साल में अगर IIT को भी चालू करते तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं जिनके पास PhD ना, ओके वो भी आ सकते। वाह, ये तो बहुत अच्छा स्कीम आपने बताया।
ये तो बहुत जस्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, चालू होने वाला है शायद 10-15 साल में हो जाए। ओके ओके, ये अच्छा ही है क्योंकि इंडस्ट्री में है 10-15 साल हो गया, फिर तो पीएचडी नहीं किया जा सकता ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बट तो मुझे अगर कोई टीचिंग करना चाहता है ना, क्या कोई भी, मुझे ऐसा लगता है उसको जैसे सर आपका है 3-4 साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना, इक्विपमेंट का इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स आप बुक से पढ़ो, प्रेशर का अंडरस्टैंडिंग रिफाइनरी में आने के बाद जो मुझे हुआ वो मैं गेट क्लियर किया, IIT क्लियर किया, कुछ उससे नहीं हुआ। अभी मुझे प्रेशर इतना अच्छे समझ में आता है, वो कभी समझ में नहीं आया। तो इंडस्ट्री का एक एक्सपीरियंस होने से फिर उसके बाद टीचिंग बहुत अच्छा होगा। आप देखो Finally, I would like to thank everyone present here for their enthusiasm, patience, and contribution to ensure this successful conduction of this event, especially Sandeep. Thank you. So before we end, can we have one photograph? Yes. So yes, I would request yes. everybody to switch on your cameras. We can have yes. one virtual photograph. Yes. Guys, please. Thank you so much, everybody. Thank you. With this, we came to the end of today's meeting. Have a good day. थैंक यू आकाश, वो ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मेल कर देना मुझे। अच्छा रिकॉर्डिंग कर पाए कि नहीं आकाश? पता नहीं। देवाशीष यू वर रिकॉर्डिंग? मैं रिकॉर्डिंग हो गया। आनंद सर, आई वाज नॉट द होस्ट।